इस हफ्ते बैंक बंद रहेगी लगातार 4 दिन देश के कई हिस्सों में, और बाकी बचे हुए मार्च के महीने में टोटल 7 दिन बैंक्स बंद रहेंगी। आइए जानते हैं कैसे। मार्च 17 थर्सडे है, इस दिन होलिका दहन की वजह से बैंक बंद रहेगा। जहां जहां मुख्यतः बैंक बंद रहेगा वो है रांची, देहरादून, कानपुर, लखनऊ। फिर मार्च 18 फ्राइडे है, इस दिन धुलेती या दोल जत्रा नाम का फेस्टिवल है। इस दिन बैंक कई जगहों पे बंद रहेगा, जैसे कि अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पैंजिम, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला और श्रीनगर। फिर अगला दिन यानी मार्च 19 सैटरडे है, इस दिन होली या फिर याओसांग नाम का भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसकी वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। कहां कहां बैंक्स बंद रहेंगे वो है पटना, भुवनेश्वर और इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है। फिर हम बात करते हैं मार्च 20 की, जो संडे है, तो संडे को तो वैसे ही बंद रहती हैं बैंक्स। तो यानी मार्च 17, 18, 19, 20 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन लगातार बैंक्स बंद रहने वाली हैं। तो आपके अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं तो आप उसके पहले कंप्लीट करना चाहेंगे। बाकी फिर बात करते हैं मार्च 22 की, ये है बिहार दिवस और इसको आरबीआई ने रिकग्नाइज़ किया है, मान्यता दी है छुट्टी की। इस वजह से कई जगहों पर बिहार दिवस की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। ये ट्यूसडे है, यानी कि मंडे को तो खुलेगा लेकिन ट्यूसडे को ये कई जगहों पर बैंक्स बंद रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं मार्च 26 और 27 की। मार्च 26 है फोर्थ सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को बैंक्स बंद होते हैं, और फिर मार्च 27 है संडे, संडे को तो वैसे भी बैंक्स बंद होते हैं। तो टोटल मिला के 7 छुट्टियां बाकी बचे हुए मार्च में होंगी, जिसमें से कि 4 तो लगातार होंगी।